वेलकम बैक टू अ न्यू रेसिपी। आज बहुत ही टेस्टी सा यम्मी सा ये चीज़ कटलेट्स बना लेते हैं आलू वाला। इसे बनाना बहुत ही आसान है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे उबले हुए आलू लिए हैं, इसे अच्छे से मैश कर देंगे या इसे आप ग्रेटर से ग्रेट भी कर सकते हैं, कटोरी ग्लास से भी इसे अच्छे से आप मैश कर सकते हैं। बस इसका कोई भी लम्स नहीं होना चाहिए। उसके बाद इसमें कुछ मसाले डालेंगे, जैसे कि मैं डाल रही हूँ आधा कटोरी हरा धनिया बारीक कटा हुआ, एक हरी मिर्च डालेंगे बारीक कटी हुई, एक चम्मच डाल देंगे कस्तूरी मेथी। उसके बाद कुछ सूखे मसाले डालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे डालूंगी आधा चम्मच नमक, आप नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच जीरा पाउडर, उसके बाद डालेंगे आधा चम्मच चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च, उसके बाद डालेंगे यहाँ पे आधा चम्मच धनिया का पाउडर, उसके बाद हम यहाँ पे एक चुटकी डालेंगे गरम मसाला, उसके बाद हम यहाँ पे डालेंगे एक चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और एक चम्मच हम इसमें डाल देंगे टोमेटो केचप। इसे बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा एक चम्मच आपके टोमेटो केचप डालने से। इसे बहुत ही अच्छे से हमें मिक्स करना है, या आप इसे चम्मच से मिक्स कर सकते हैं या फिर इसे हाथों से भी अच्छे से मिक्स कर सकते हैं। अब इसे साइड में रख देंगे। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले एक हम मैदे की स्लरी या एक मैदे का घोल बना लेते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ पे दो चम्मच मैदा लिया है। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा नमक यानी कि एक चुटकी के बराबर हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स यानी कुटी हुई लाल मिर्च और थोड़ी सी डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसका एक पतला सा घोल बना लेना है। बहुत ज़्यादा इसे पतला घोल नहीं बनाना है, बिल्कुल कॉर्नफ्लोर की स्लरी की तरह नहीं रखना है, इसे थोड़ा सा हमें गाढ़ा टाइप का रखना है। तो बर्तन मेरा छोटा पड़ रहा है, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे दूसरी कटोरी में। इसमें डालने के बाद इसमें हम पानी और डालेंगे और इसे अच्छे से हम फेंट लेंगे ताकि इसका जो भी गुठली हो लम्स हो वो एकदम अच्छे से घुल मिल के एक बराबर का हमारा ये घोल बन के रेडी हो जाए। बिल्कुल कॉर्नफ्लोर की तरह हमें पतला नहीं करना है, इस बात का ध्यान रखना है। थोड़ा गाढ़ा साइड में ही रखना है लेकिन बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखना है। इसे फेंट के हम रख देंगे साइड में। उसके बाद चलिए हम अपने शेप देने की तरफ चलते हैं कटलेट्स के। हाथ में लगाएंगे थोड़ा सा तेल और आलू का जो हमारा मिक्सचर है उसे लेंगे हाथों पर थोड़ा सा, जितनी साइज़ का आपको बनाना है उतनी साइज़ का लेके गोल बना के उसे हाथों से इस तरह से फैला के बीच में एक चीज़ की स्टिक रखेंगे। मैंने यहाँ पे मोज़रेला चीज़ की स्टिक रखी। इसमें यहाँ पे आप कोई भी चीज़ चेडर चीज़ वगैरह भी रख सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा। अब हाथों से शेप देके अच्छे से चीज़ को कवर करते हुए हमें इसका रोल बना लेना है। इस बात का ध्यान रखना है कि बिल्कुल भी चीज़ कहीं से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना जब इसको फ्राई करेंगे तो चीज़ पूरी जो है हमारी तेल के साथ बह जाएगी और जो हमारा कटलेट्स है वो फटने का डर होगा। तो इस तरह से देखिए अंदर एक चीज़ की स्टिक रख के मैंने इस तरह से अच्छे से सब रोल दे का शेप दे दिया है। इस तरह से बना के अगर आप चाहें तो टाइम हो तो एक दो घंटे के लिए फ्रीज में रख दीजिएगा। तो इसकी वजह से क्या होगा कि आपका जो आलू का शेप है वो बहुत अच्छे से पकड़ लेगा और आपको आगे के प्रोसेस करने में बहुत ही आराम होगा। तो उसके बाद देखिए मैंने फ़ौरन से बना लिया था क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था। सूखे मैदे के पाउडर में इसे हम थोड़ा सा रोल करेंगे। उसके बाद मैंने यहाँ पे जो मैदे की स्लरी बनाई थी उसमें रोल किया है। उसके बाद ब्रेड क्रम में इसे कोट कर लेंगे। इसी तरह से सारे कटलेट्स बना के रेडी कर लेंगे और थोड़ा मैंने फोक का भी यूज़ किया ताकि हमारा जो शेप है वो ख़राब ना हो कटलेट्स का, वरना अगर शेप ख़राब होगा टेढ़ा मेढ़ा होगा तो चीज़ को बाहर आने का डर रहेगा। तो इस तरह से देखिए मैंने सारे रोल बना के रेडी कर लिए हैं। देखिए कितना अच्छा सा लग रहा है। अगर आप चाहें तो इसे इस टाइम पर फ्रीज भी कर सकते हैं और जब ज़रूरत हो निकाल के इसे फ्राई कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हम गर्मा गर्म तेल में इसे डाल देंगे। मीडियम फ्लेम पे हमारा तेल गरम हो चुका था। उसके बाद धीरे धीरे से करके हमें थोड़ी थोड़ी दूरी पे कटलेट्स डाल देना है अपने गर्मा गर्म तेल में। आप इसे एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा तेल ऊपर ब्रश करके इसे आप ओवन में भी बेक कर सकते हैं, तभी बहुत ही अच्छा सा हेल्दी सा बन के हमारा ये चीज़ कटलेट्स रेडी होगा। तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। तो देखिए मैंने पूरा कटलेट्स जो है जितनी मेरी कढ़ाई में जगह थी मैंने डाल दी है। अगर आपकी कढ़ाई छोटी हो तो आप कम डालिएगा। फिर उसके बाद मैंने इसे 5 मिनट बिल्कुल टच नहीं किया है। 5 मिनट के बाद ये जब थोड़ा सा सख्त हो गया, थोड़ा टाइट हो गया तेल में, उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा इसे धीरे धीरे से पलट देंगे। इसमें ध्यान रखना है बिल्कुल हमारा चम्मच नहीं लगना चाहिए, वरना जो है हमारा कटले से फट सकते हैं। मेरा भी एक फट गया था। तो इस तरह से हमारा रोल तैयार है। आप भी बनाइए, इंजॉय कीजिए। रेसिपी अच्छी लगी हो तो ये सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर पे जो बेल का आइकन है उसे दबाने से मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियो अच्छी लगती हो तो थम्स अप दें।